नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी कंपनियों के बारे में जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जिनका CAGR है वो हाई ग्रोथ है, 50% के आसपास इनका CAGR है दोस्तों, जो जिनको बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कि ब्याज के ऊपर ब्याज, जो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लगता है परसेंटेज, वो है दोस्तों 50% के अराउंड। तो हम बात कर लेते हैं, पहली जो पांच कंपनी मैं बताता हूँ आपको वो है आरती इंडस्ट्री, FL इंडिया, एस्ट्रल, अल्काइल अमाइन और बजाज फाइनेंस दोस्तों। अब हम इसके एक महीने के रिटर्न की बात करें तो पहले नंबर पे है दोस्तों FL इंडिया, जिसने 21% का रिटर्न दिया है। सेकंड पे आरती इंडस्ट्रीज, जिसने 19% का रिटर्न दिया है। थर्ड पे है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड, जिसने 6% के आसपास रिटर्न दिया है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो फोर्थ नंबर पे और 5% का रिटर्न दिया है एक महीने में, और अल्काइल अमाइन ने 3% का जो है रिटर्न दिया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 6 महीने में, तो 6 महीने की बात करें तो 66% अल्काइल अमाइन और बजाज फाइनेंस ने दिया है, और जो थर्ड नंबर पे है दोस्तों वो है आरती इंडस्ट्री, 61% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड, जिसने 58% के आसपास रिटर्न दिया है, और फिफ्थ नंबर की बात करें तो एफएल के 9% के आसपास इसका रिटर्न है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन ईयर के रिटर्न देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके रिटर्न है। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो है अल्काइल अमाइन के 220% के आसपास, और सेकंड नंबर पे है दोस्तों 160% के साथ एस्ट्रल पॉली। थर्ड की बात करें तो 140% के आसपास बजाज फाइनेंस ने दिए हैं। उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज 124% के आसपास, FL इंडिया ने दिया 119% के पॉजिटिव रिटर्न दोस्तों। अब हम चलते हैं 5 साल की बात, तो 5 साल देखते हैं 5 साल में इन पांचों में से किसने सबसे ज़्यादा दिए। तो दोस्तों अल्काइल अमाइन ने 3000% के रिटर्न दिए हैं 5 सालों में, और इसके बाद है दोस्तों 800% के जो रिटर्न दिए हैं एस्ट्रल लिमिटेड ने दिए हैं। इसके बाद है बजाज फाइनेंस ने 641% के रिटर्न दिए हैं। FL इंडिया ने फोर्थ नंबर पे 607% के रिटर्न दिए दोस्तों, और फिफ्थ नंबर की बात करें तो आरती इंडस्ट्री है, जिसने 512% के जो है रिटर्न दिए हैं। अब मैक्सिमम टाइम की देख लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम में जो है सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिए हैं, तो वो मैं बता दूं आपको, बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली है, 136,000 के आसपास इसने रिटर्न दिए हैं। और सेकंड नंबर पे है आरती इंडस्ट्री, जिसने 98,000 के रिटर्न दिए हैं, 98,000 के रिटर्न दिए हैं। और थर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पे है एस्ट्रल, जिसने 40,000% के रिटर्न दिए लाइफ टाइम में, और फोर्थ नंबर पे 19,000 के रिटर्न के साथ अल्काइल अमाइन है, और फिफ्थ नंबर पे है 607% के साथ FL इंडिया, जो कि अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। और हम नेक्स्ट 5 की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट 5 कंपनी के बारे में, तो उसमें हमने जो ऐड की है दोस्तों उसमें बजाज फिनसर्व, बजाज हेल्थ केयर, बालाजी अमाइंस और दीपक नाइट्राइट और एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। अब हम चलते हैं इसके एक महीने की रिटर्न की तरफ, तो एक महीने के रिटर्न की देखें तो दीपक नाइट्राइट ने 17% के रिटर्न दिए हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट ने 19% के, उसके बाद बजाज फिनसर्व ने दिए 7% के, और बजाज हेल्थ केयर ने नेगेटिव रिटर्न दिए 2% के आसपास, बालाजी अमाइंस ने नेगेटिव रिटर्न दिए 3% के आसपास। और इसमें यदि हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट, सेकंड पे है दीपक नाइट्राइट, थर्ड पे है बजाज फिनसर्व, और फोर्थ और फिफ्थ पे है बालाजी माइंस और बजाज हेल्थ केयर दोस्तों। अब हम 6 महीने की देख लेते हैं कि 6 महीने में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो किसने दिए। तो 6 महीने की बात करें तो बालाजी माइन ने 140% की रिटर्न दिए हैं, बजाज हेल्थ केयर ने 103% की रिटर्न दिए हैं, और उसके बाद थर्ड नंबर पे दोस्तों बजाज फिनसर्व, जिसने 85% के रिटर्न दिए हैं 6 महीने में। और उसके बाद बात करें तो 79% के जो रिटर्न दिए हैं दीपक नाइट्रेट ने दिए 6 महीने में, और एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट की बात करें तो 67% के रिटर्न इसने दिए दोस्तों। तो अब हम देख लेते हैं 1 साल की, तो 1 साल के रिटर्न की तरफ चलते हैं हम एक बार। 1 साल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है बालाजी माइंस, जिसने 434% के रिटर्न दिए, और सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे है दोस्तों 287% के आसपास दीपक नाइट्राइट ने 1 साल में रिटर्न दिए हैं। थर्ड की बात करें तो 210% के बजाज फिनसर्व ने रिटर्न दिए हैं। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ नंबर पे आता है डी मार्ट, जो एवेन्यू सुपरमार्ट, 139% के रिटर्न दिए दोस्तों।
और फिफ्थ नंबर पे एक साल में जो रिटर्न दिए हैं वो है 87% के बजाज हेल्थ केयर ने। अब हम चलते हैं पाँच साल के, देख लेते हैं कि पाँच साल में जो रिटर्न है सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसने दिया है। तो पाँच साल की बात करें तो दीपक नाइट्राइट ने 2262% के रिटर्न दिए हैं। सेकंड नंबर पे है 1354% के साथ बालाजी माइंस, और थर्ड की बात करें तो 668% एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट की जो रिटर्न दिए हैं वो है पाँच साल में 668% के। और फोर्थ नंबर पे 594% लगभग 600% के रिटर्न जो कि बजाज हेल्थ केयर ने दिए हैं। और फिफ्थ नंबर पे है 474% के रिटर्न जो बजाज फिनसर्व ने दिए हैं। अब हम चलते हैं मैक्सिमम टाइम, जब से ये लिस्टिंग हुई है मार्केट में तब से लेकर आज तक के रिटर्न। तो फर्स्ट नंबर पे है बालाजी माइन जिसने 15,000 के आसपास रिटर्न दिए हैं, और सेकेंड नंबर पर है दीपक नाइट्राइट जिसने 15,000% के आसपास रिटर्न दिए हैं। फर्स्ट नंबर पे दीपक नाइट्राइट है दोस्तों, सेकंड नंबर पे बालाजी माइन है दोस्तों, और थर्ड नंबर की बात करें तो 2784% के साथ बजाज फिनसर्व है, और फोर्थ की बात करें तो 931% के साथ बजाज हेल्थ केयर है दोस्तों जो कि न्यू लिस्टेड कंपनी है। अब फिफ्थ की बात करें तो 668% के आसपास डी मार्ट ने जो है रिटर्न दिए हैं अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है तो 668% के इसने रिटर्न दिए दोस्तों। अब हम चलते हैं कंपाउंड कैलकुलेटर की तरफ। हम देखेंगे कि इसमें 50,000 रुपये यदि हम इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम मान के चलते हैं ये इनकी जो CAGR है लगभग 40% के आसपास रहेगी, तो हम देख लेते हैं कि 10 सालों में, 15 सालों में और 20 सालों में ये हमें कितना पैसा बना करके देंगे वो देख लेते हैं। ये कंडीशन है इसमें ये दोस्तों, आपको होल्ड करने पड़ेंगे ये अभी सभी स्टॉक। और दूसरा ये कि यदि ये मतलब 40% एग्जैक्ट नहीं है, आने वाले समय में पता नहीं कि कंपनियां क्या पता कम दे और इससे क्या पता ज़्यादा भी दे दे, तो 40% की CAGR हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो 50,000 हम पैसे इन 10 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देंगे 40% CAGR के साथ, 10 सालों के बाद जो हमारी अमाउंट होगी वो होगी दोस्तों 14,46,000 रुपये के आसपास। यदि हम यही अमाउंट जो है 40% की CAGR के साथ 15 सालों के लिए होल्ड करें, तो हम देख लेते हैं एक बार कि हमारी जो अमाउंट है वो कितनी आती है। तो वो आती है दोस्तों 77,78,000 रुपये के आसपास, जो कि हमने 15 सालों के लिए जो है अमाउंट हमने होल्ड किया, और 40% का CAGR हमने एक्सपेक्ट किया कि 40% आने वाले 15 सालों में ये हमें CAGR के साथ ग्रोथ दे देगी दोस्तों, और 50,000 हमने इन्वेस्ट किए। अब हम इसी 50,000 के अमाउंट को 40% के CAGR के साथ 20 सालों के लिए यदि होल्ड करते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि 20 सालों के बाद हमारी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी इन 10 कंपनियों में। तो वो होती है दोस्तों 4,18,00,000 के आसपास, जिसमें से 50,000 हमारे हैं और 4,17,84,000 रुपये के आसपास हमारा जो अर्निंग है, हमारा जो प्रॉफिट है दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ये कैलकुलेटर एक्सपेक्ट रिटर्न के साथ हमने यूज़ किया है, तो ये मत सोचिएगा कि इतना ही ये कंपनी रिटर्न देगी, ये कम भी दे सकती है और ये कंपनियां ज़्यादा भी दे सकती हैं आने वाले टाइम में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थी टॉप 10 कंपनियां जो हाई CAGR के साथ ग्रोथ कर रही है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, और हमारा जो चैनल है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।